हम आते हैं जल्दी हना करके योरी नितने में पूजा करके हम जा करके कि मैंने अभी पूजा नहीं कर पाई है और पूजा करके मैं तत्क्षण ही आ रहा हूं। धीरे धीरे बांधी चल भाई दादा चंप कलन पे भाई मेरे पांव दादा भमर कलन पे धीरे 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 बांधी जाती है जादू चलत मरोरा भाई मेरे प्यार बतो चलत मरोरा बांदी पहुंची आंगन में जकी भाव जो बैठी सिसकत है जकी मैया बैठी रानी से तेरो देवर आए रो अंगना में तेरो लाला आए रो आज बांदी ने जाकर के कहा कि हरदौल भोजन करने आ रहे अब तो और ज्यादा परेशान होगी। भगवान आज के निमंत्रण न मानते तो बच जाते। बहुत ज्यादा बेचैन है नौजवानों। आंगन से चौका में पहुंची है आज भाभी ने सारे जहर के भोजन बना करके तैयार कर लिए। इधर हरदौल ने क्या किया इत कुमर करे स्नान सम्मुख धान हृदय में कियो जन नेतने मकर जल तो सूरज को भैया भगवान भास्कर को जल अर्पण किया हरदौल ने। घोड़ा पे भाव सवार सुनो सरदार भबक गोहियो असगुन लकी छाती फटत ध्यान जन दियो। जब ये घोड़ा पर सवार होता तो बहुत बहुत बुरे असगुन होने लगे। अरे जके हुई गई छींक रे आंगारी और गति काती गौए मारी धारी अरे नादान बनो तो बेटा भारी और कैसे कैसे असगुन हो रहे हैं हरदौल को और टे 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 करे तितु आयु पर गिद्र हो मडराए अब बेटा निकलो जब महलन तेरी दे घराऊ दे घेराए और सूखी डाल पे कौआ बैठो अपनी जो पानी रहो सुनाए हो संबंध बेटा के हुई है था पर तू पेट में जाए अब तो ते 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 करे आयु पर मडरानी अब तो ते 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 करे आयु पर मडरानी ऊपर मडरानी रे चिड़ै आयु पर मडरानी अब तो ते 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 करे बड़े बड़े बुरे अस्कुन होने लगे। तलवार म्यान से गिर पड़ी सामने छींक हो गई लेकिन हरदौल नहीं रुका। बंधुआ हुआ क्या लेकिन लीला घोड़ा जो हवा से तेज उड़ने वाला था आज आगे को कदम नहीं दे रहा है। हरदौल कहने लगा भैया हमें मालूम पड़ रहा है कि मेरी भाभी पर कोई मुसीबत है चलो। और क्या बोला
ले चलियो मोय भावज के द्वारे पे उड़ी चलियो असुगुन लख के मेरी छाती फटती है कि मेरी छाती फटती है बतो जिंदा है मेरे सहारे पे लगी चलियो ले चलियो मैं भावन के द्वारे पे लगी चलियो भाभी के आंगन में जाय के मिलूंगो मेरी लग जाए नाव किनारे पे लगी चलियो ले चलियो मैं भावज के द्वारे पे लगी चलियो आज हरदौल का घोड़ा जब आंगे को बड़ा है लोगो अब की बार इतना बुरा असगुन हुआ कि हरदौल का भी कलेजा कांप गया वो कौन सा असगुन था अरे हे कयांगे रे विधवा जाके आई और हाथाना मेरे कंडा भरी लाई सामने विधवा औरत के हाथन में कंडा देके हरदौल समझ गया कि इन्हीं कंडों से हमारी चिता जलेगी घोड़ा को दौड़ाता हुआ जब भाभी के दरवाजे पर पहुंचा घोड़ा को दरवाजे पर बांध दिया जो हरदौल आंगन में पहुंचा खटखट जूतन की आवाज भाभी के कानों में टंकारने लगी बीच आंगन में भाभी बैठी थी जहर के भोजन बना चुकी थी जो हरदौल ने भाभी की दशा देखी भाभी नमस्ते लेकिन नमस्ते को उत्तर कौन दे मुंह पर तो कालोच लगी है कहने लगा हरदौल भाभी शायद हमें आने में देर हो गई तो तुम नाराज हो गए आने में विलंब तो इसीलिए हुआ भाभी कि हमें बड़े बड़े बुरे असगुन हुए हैं बोलो भाभी नहीं बोली नहीं बोलोगी तो मैं इतना बेशर्म लड़का हूँ तेरी गोदी में बैठ जाऊंगा इतना कह के हरदौल जब भाभी की गोदी में बैठ गया और जो उसने घूंघट को उठा देखा तो बंधु और रोते रोते मैया की दोनों आंखें सूज गई थी एकदम हरदौल चीख पड़ा भाभी ये क्या चक्कर है और आंसू देख करके हरदौल का कलेजा फट गया लोगो वास्तव में जब अपने प्रेमी की आंखों में कोई आंसू देखता है तो उसका दिल अपने में नहीं रहता मैया बूझू तो बताइए मोई कहा दुख भारी काबुरे बोलिए भैया रे के दे दई तो को गारी यही बात है माँ क्या भैया बुरे बोल गए तुमसे क्यों इतनी उदास हो माँ जल्दी बताओ मुझे वरना मैं मर जाऊंगा भाभी मर जाऊंगा मैं अरे दई तो गारी दैया तो गारी भवन मेरी गारी बताइए गारी काबुरे बोलिए भैया रे दे दई तो को गारी क्यों नहीं बोलियो भाभी ए पूछे तेरो लाल बताइए हाल
कहा बीमारी क्यों व्याकुल बिकल जमीन रे पड़ी रही मेरी महतारी। जल्दी बोलो बा वरना मैं मर जाऊंगा भाभी। बहुत बहुत बुरा सुनू है मुझे। क्या हुआ लोगों? जन मूड मार दो तो दहरी ते बेटा गिरो मरो रखाए और झपट के मैया ने बेटा को अजुहांगन में लो उठाए। अब को दुख मरने बा समय को मेरी नजीबा लपेटा खाए और कौआ रो रो तोरे आंगन में बानर सियाहरन हो जाए और एकदम भाभी ने बेटा को भर छाती ते लौ तो लगाए। अब तो रोए रोए मैया कहे लला मोप विधना रूठो है। अब तो रोए रोए भावर कहे लाल मोप विधना रूठो।